तो उसके लिए एक आपको चाहिए बैटरी, आप एवरेडी की ले सकती है, कोई और भी बैटरी ले सकती है। और बैटरी को आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा केबल से, सोल्डरिंग मशीन का यूज़ करके, ताकि आपको कनेक्शन में आसानी हो जाएगी। ये देखिए मैंने कनेक्शन कर लिया है ऑलरेडी। उसके बाद एक इम्पेलर चाहिए जो रोटेट होगा विथ हेल्प ऑफ डीसी मोटर। उसके बाद हमको चाहिए एक डीसी मोटर छोटी सी, ये आपको फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी, मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये सब सामान आपको फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए एक बटन जो ऑन ऑफ के लिए स्विच बोल के हम यूज करेंगे। आपको ये सब कनेक्शन करके लेना है, डीसी मोटर टू बटन और बटन टू बैटरी। देखिए अभी हम कनेक्ट करने वाले हैं इम्पेलर को मोटर से। देखिए ये हम कनेक्शन कर रहे हैं, यहाँ से आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सेटअप रेडी। चलो देखिए ये सेटअप रेडी हो गया, अब इसको हम ऑन करके एक बार देख लेते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। देखिए बटन है और ये हमारा या फिर मोटर के साथ इंपेलर कनेक्ट है, घुमाया गया। अभी इसको थोड़ा सा जाम हो गया इसलिए मैंने इसको रोटेट किया है। अब थोड़ा सा बड़ा बैटरी यूज़ कर दोगे तो ये जाम नहीं होगा। थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज़।